हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स अगेन। दोस्तों अज 2 सितंबर डेरा ब्यास विच दर्शना दा प्रोग्राम होया। अज बाबा जी 8:40 ते स्टेज ते आए। उस तो बाद सत्संगकर्ता जी ने सत्संग फरमाया 45 मिनट तक, ते बाणी लई सी चौथे पातशाही गुरु रामदास जी दी। संगत भी नॉर्मल ही आई हुई सी। ते दोस्तों अज एक बंदा सत्संग दे दौरान जोर देने चिल्लाया, अजे सत्संगकर्ता जी ने सत्संग स्टार्ट ही किया सी। 5-10 मिनट बाद जदों सत्संगकर्ता जी ने यह गल बोली कि जदों एक सत्संगी प्रेम विच आ जाता है तो विरह महसूस करता है, उसकी तड़प फिर वह हड़प उठता है। उस टाइम उस बंदे तो रहा नहीं गया, वह जोर देने चिल्लाउन लग पाया ते सेवादार उन्हें संभालन लई आ गए सी। ते हुण जो अज पाठी जी ने फरमाया वो कुछ पॉइंट्स तुहाडे नाल शेयर किए जाणगे। सत्संगकर्ता जी ने फरमाया कि जब एक जीवात्मा उस प्रभु के मिलने की इच्छा उत्पन्न करती है, जब उस परमात्मा की विरह महसूस करती है, उसकी तड़प महसूस करती है, उसके विरह में हड़प रही है, उसी के आगे एक विनम्र विनती करते हैं और साथ ही समझाते हैं कि उस परमात्मा से मिलने का सही रास्ता कौन सा है, सही साधन कौन सा है, कि कौन सी करनी, कौन सा रास्ता, किसके ज़रिए उस प्रभु से मिलाप हो सकता है, और इस कार्य के लिए गुरु की मेहर, उस मालिक की मेहर, उस परमात्मा की मेहर का क्या महत्व है। उसके लिए एक विनती कर रहे हैं जो उसके विछोड़े में रप रही है, उससे मिलने के लिए बेताब हो रही है कि यह मेरे प्रीतम, मेरे मन के अंदर, मेरे तन के अंदर तेरे मिलने की चाहत है और तेरे विछोड़े का दर्द है और तेरे मिलाप के लिए मैं तरस रही हूँ। और जिस तरीके से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर मैं दुखी हो रही हूँ, मेरे विरह की पीड़ा बढ़ती जा रही है, इंटॉलरेंस है, मेरी सहन शक्ति से परे है। क्या है ये विरह? विरह अपने प्रीतम के मिलाप के लिए बहुत प्रबल इच्छा होती है, उसके मिलाप की चाहत के साथ साथ तड़प होती है, विछोड़े का दर्द महसूस होता है। अगर प्रत्यक्ष तौर पर देखें तो विरह प्रेम की ही चाहत मंशा होती है, और जिसके अंदर मालिक के प्रति प्रेम होता है, उसके प्रति आकर्षित होता है, एक खींच होती है, लगन होती है, उसके दर्शन की चाहत होती है, दर्शनों हिदारे की चाहत होती है, मिलाप की इच्छा होती है, उनका ध्यान हर वक़्त मालिक की तरफ रहता है, अपने सतगुरु की तरफ रहता है, उनका मन अपने प्रीतम की ओर झुका रहता है। जब ये बढ़ जाता है, बर्दाश्त के बाहर होने लगता है, तो फिर हृदय में एक अजीब किस्म की बेचैनी पैदा होती है। कैसी बेचैनी? इसके अंदर एक जागरूकता पैदा होती है, घबराहट सी बनती है, जैसे मछली को पानी के बाहर होती है। और ऐसी विरह के अंदर जब सहन शक्ति परे हो जाती है तो प्रीतम की याद इतनी इंटेंस हो जाती है कि एकांत में बैठा उसके आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं, कि दिल इसके मारता है, चीके मारने को होता है। और फिर वो अर्ज करता है, फिर सत्संगकर्ता जी ने गुरबाणी का उदाहरण दिया, मिल मेरे प्रीतमा जियो बुद्ध बिन खड़ी निमानी, मैं नैने नींद ना आवे जियो पावे अन्न ना पानी। और ऐसी विरह के अंदर एक विश्वास होता है कि मेरा प्रीतम बख्शनहार है, वो दयाल पुरुष है, जो मेरे अंदर प्रेम का बीज है वो उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी प्रेम के विरह की बीज है। आगे उन्होंने गुरबाणी का उदाहरण दिया कि तू अपना मिलाप बख्श दे, जीवात्मा का विवेक भी जागृत है, उसे मालूम है, उसे एहसास है कि मेरा प्रीतम कहीं बाहर नहीं है। आगे उन्होंने 5वें पातशाह जी का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, एक तुक फरमाई थी, ऐसी बख्शिश, ऐसी रहमत हो जाए कि मेरा प्रीतम मेरे घर आए, कि वो प्रीतम से मिला दे। अब प्रीतम अगर दया करके
दर्शनो दीदार बख्श दे, तो फिर इस दर्शन और दीदार के अंदर जो विछोड़े का हर्द था वो शांत हो गया, विरह की जो तड़प थी वो शांत हो गई। एक आनंदमयी अवस्था वो प्राप्त हो जाती है, कई तरीके का सुख महसूस होता है, हर तरीके का मानसिक, आत्मिक और शारीरिक दुख दूर हो गया। वो अकाल पुरख, वो परमात्मा हमें गुरु का मिलाप बख्श देता है। गुरु अपनी दया मेहर बख्शिश से, अपनी कृपा से हमें उस नाम के साथ जोड़ देता है, उस शब्द के साथ जोड़ देता है, जिसके ज़रिए हम इस मन के दायरे से ऊपर उठ जाते हैं और अपने कर्मों का हिसाब किताब करते हुए धीरे धीरे इस भवसागर से, इस 84 लाख के जेल खाने से निकल जाते हैं। जब अंदर वो अंधेरा हटकर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, वो शब्द के प्रकाश में मिलकर हम जब उस एक नूर का हिस्सा होना शुरू हो जाते हैं, फिर हमारी वो अवस्था होती है जब इन विकारों से ऊपर उठकर हम उस सहज अवस्था की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे सत्संग कर्ता जी ने समझाया कि अहंकार, ये होमे, ये एक बड़ी, एक पुरानी बीमारी है, रोग है। बड़े बड़े ऋषि आए हैं, ऋषि दुर्वासा, उसको क्रोध ने मार लिया। ऋषिवर आए, मुनिवर आए, योगेश्वर आए, हठकर्म करने वाले, इतने इतने साल वो तपस्या करके घर को वापस आ रहे थे, किसी को काम ने मार लिया, किसी को क्रोध ने मार लिया, ऋषि पराशर को हम सब कहानी पढ़ते हैं, वो काम ने मार गिराए, तो इतनी इतनी भक्ति की लेकिन मन को काबू नहीं कर पाए। तो इस मन को काबू कैसे करना है, ये आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि जब उस नाम का रस हमें हासिल होता है, उस शब्द का रस, जब वो प्रकाश के दर्शन हमें होते हैं, जब वो धुन के साथ हम जुड़ते हैं, जब अंदर उसके साथ प्रीत लगती है, हमारी लगन लगती है, फिर मन इन सब बाहर मुखी साधनों से, ये विकारों से ऊपर उठ जाता है। अंतर अलखना जाई लग्या विच पर्दा होमे पाई, कि ये जीव आत्मा उस परमात्मा से विछड़ी हुई है, क्योंकि उस परमात्मा और हमारे दरमियान वो अहंकार की दीवार है, वो मैं और मेरी की दीवार है, इसलिए हम मालिक से दूर हुए बैठे हैं। हम जितने भी हटकर्म कर लें, धर्म स्थानों पर माथा टेक लें, ये बाहरी तीर्थों पर स्नान कर लें, हमारे मन की मैल कभी भी इन साधनों से साफ नहीं हो सकती। ये तो बे नामे के रंग, हमारे मन की मैल तो उस नाम की कमाई से साफ होगी, उस शब्द की भक्ति से, जो हमारे इन कर्मों को साफ कर देता है। और इस कलयुग में यही एक साधन है, यही एक रास्ता है, उस एक परमात्मा में समाने का, उस एक परमात्मा में मिलने का। तू हो जा शब्द दीवानी, मत सुनो और की बानी, गुरतारेंगे हम जानी, गुरतार